सो हेलो भाई लोग, आगे एक न्यू कमल के फ्री के साथ। और अब जब भी फोटो एडिट करते हो आपका जो फोटो में बहुत ही टाइम लगाते हो, ठीक है, मतलब एक घंटे या आधा घंटे के नीचे फोटो एडिट होता है नहीं। जैसे कि मैं एक एडिक्टर हूँ, मैं जानता हूँ एक फोटो एडिट करने में आधा घंटा एक घंटा लगता है, लेकिन आपको यहाँ पर जो है मैं 2 मिनट के अंदर एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। इस टाइप की एडिट, मतलब बैकग्राउंड को बहुत ही हाई ब्लर में कैसे एडिट किया जाता है, मतलब बैकग्राउंड में ब्लर करने में बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं सब लोग, ठीक है। यहाँ पर मैं बस आपको 2 स्टेप से एकदम ऑटोमेटिक जो है पर ब्लर देकर दिखाऊंगा एंड काफ़ी अच्छा ब्लर होगा और आपको जो है पर मॉडल के अंदर एक भी जो है ब्लर नहीं, ठीक है। यहाँ परफेक्ट आपको जो ब्लर देने वाला हूँ, ठीक है। और आपको वीडियो में कुछ नया सीखने मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से जो इसको बैक कर लेते हैं एंड बैक करने बाद आपको यहाँ पर जो इंटरनेट को ऑन कर लेना होगा। देख सकते हो मेरा इंटरनेट जो यहाँ पर ऑन है और यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले क्रोम ब्राउजर पर जाना होगा, ठीक है। हम इसको जो क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं। तो क्रोम ब्राउजर को ओपन करने बाद यहाँ पर आपको सर्च पर क्लिक करना एंड आपको यहाँ पर जो है आपको एडोब लिख देना, ठीक है। एडोब रिमूव बैकग्राउंड आपको लिख देना है एंड आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है एंड आपको जो पहला वेबसाइट आपको दिख रहा होगा इस पर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर जो अपलोड फोटो या दिख रहा होगा यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो हम इसको जो पैक कर लेते हैं एंड यहाँ पर आपको जो देख सकते हो अपलोड इमेज दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है एंड आप जिस फोटो को एडिट करना चाहते हो उस फोटो को यहाँ पर जो है सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। हम जिस फोटो को एडिट करना चाहते हो उस फोटो को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड जो है यहाँ पर रिमूव हो गया। तो अभी आपको यहाँ पर क्लिक करके इस फोटो को आपको जो है सबसे पहले शेयर करना है जो ऑटोडेस्क में, ठीक है। यहाँ पर आपको मोड पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर हम जो ऑटोडेस्क में शेयर कर लेते हैं इस फोटो को। तो ऑटोडेस्क में आने के बाद आपको यहाँ सबसे पहले व्हाइट बैकग्राउंड को आपको बंद कर लेना है इस टाइप से और अभी इस फोटो को आपको सेव करना है, ठीक है। हम इस फोटो को सेव कर लेते हैं। तो फोटो को सेव करने के बाद यहाँ से आपको बैक हो जाना है। बैक होने के बाद आपको जो यहाँ पर उसी वाले फोटो के अंदर जाना, ठीक है। सबसे पहले उसी वाले फोटो के अंदर जाना जो पहले वाला फोटो था। इस वाले फोटो के आने के बाद आपको जो है इस फोटो को शेयर करना है फिर से आपको सनसेट पर, ठीक है। हम यहाँ पर सनसेट पर शेयर कर लेते हैं। यहाँ पर सनसेट पर आने के बाद आपको यहाँ पर टूल्स पर जाना है एंड आपको जो है हीलिंग वाला ब्रश को सिलेक्ट करना है और आपको इस टाइप से आपको जो है सबसे इरेज करना है, ठीक है, अपने मॉडल को। तो देख सकते हमारा मॉडल जो है इरेज हो गया एंड देख सकते अभी देख सकते हमारा मॉडल जो बिल्कुल ही नहीं है, इसको डन कर लेना। डन करने के बाद अभी आपको टूल्स पर जाना है एंड आपको जो यहाँ पर लेंस ब्लर पर क्लिक करना है और आपको जो इस टाइप से कर लेना होगा एंड इस टाइप से इसको नीचे कर लेना और इसको जो आप 100% ब्लर को कर देना, ठीक है। आप जितना ब्लर दे सकते हो उतना ब्लर यहाँ पर कर लेना और इसको डन कर लेना। और फिर से हम यहाँ पर ब्लर ऑप्शन पर जाते हैं और यहाँ पर जो हम एकदम हाई ब्लर रखेंगे फिर से और यहाँ पर जो हम 100 एकदम कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो हमारा एकदम बैकग्राउंड देख सकते हो कितना हाई ब्लर में जो हो गया हमारा बैकग्राउंड देख सकते हो। और अभी आपको इस फोटो को शेयर करना है जो ऑटोडेस्क में, तो हम जो इस फोटो को ऑटोडेस्क में शेयर कर लेते हैं। तो ऑटोडेस्क में आने के बाद आप लोग जो उसी वाले फोटो को यहाँ पर ऐड करना जिसको आपने रिमूव किया था, ठीक है, क्रोम ब्राउजर पर। हम उसी वाले फोटो को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं और आपको जो स्टेप्स इसको रख देना है एकदम अच्छे से और हम इसको अच्छे से यहाँ पर सेट कर लेते हैं और इसको डन कर लेना। एंड अभी आपको जो है यहाँ पर और एक पिन को आपको यहाँ पर ऐड करना है जो आपको फोटो में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। और इस वाले पिन को आप ऐड कर लेना एंड इसको जो अच्छे से यहाँ पर ट्रांसफर कर लेना और इसको डन कर लेना है। एंड आपको जो है यहाँ पर बैकग्राउंड पर जाना है और आपको यहाँ पर बैकग्राउंड की शेप को जो है 100% कर लेना इस टाइप से। एंड देख सकते हो हमारा फोटो एक क्लिक के अंदर, मतलब 2-3 स्टेप्स के अंदर जो है यहाँ पर रेडी होकर आ गया। देख सकते हो एक क्लिक के अंदर हाई ब्लर और एक क्लिक के अंदर बैकग्राउंड रेस और आपको यहाँ पर एक PNG भी दे दिया एंड देख सकते हो हमारा फोटो एकदम रेडी होकर आ जाएगा, ठीक है। और आप लोग जो है फेस स्मूथ करना भी जानते हो, मैंने जो हर वीडियो में आपको बता दिया फेस स्मूथ कैसे किया जाता है। अभी आप लोग देख सकते हो हमारा फोटो काफ़ी मस्त लग रहा है और आपको ये वाला ट्रिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स बोल देना। और मैं ऐसे जो हमेशा न्यू न्यू ट्रिक आपके लिए लाता हूँ, बस आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मैं इस तरह से हमेशा वीडियो डालते रहता हूँ, तो वीडियो को भी लाइक कर देना, ठीक है। बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ और मिलते हैं कुछ नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो ऐसा ट्रिक आपको और भी मिलेगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। तो मिलते हैं कुछ नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।